राजधानी दून में आम लोगों को सुविधाएं देने के लिए और दूर दराज में आवागमन को सुगम बनाने के लिए ई रिक्शा चलाने की आरटीओ ने अनुमति दी थी। साथ ही बढ़ते प्रदूषण से भी अब आम लोगों को निजात दिलाने के लिए अनुमति दे दी गई थी, लेकिन ई रिक्शा के बढ़ने से दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी भी हुई है। तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी चरमराती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही अब ई रिक्शा चालक मनमाने तरीके से किराया वसूल रहे हैं। वहीं परिवर्तन अधिकारी सरेश तिवारी ने कहा है कि काफी समय से विभाग को भी शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर अब जल्दी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। संख्या है काफी ज्यादा बढ़ रही है, इससे कई तरह के ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं और कई शिकायतें भी इनकी रहती हैं कि पब्लिक से मिसबिहेवियर की भी शिकायतें आती हैं, जैसा आपने बताया है। ओवर चार्जिंग का भी इशू रहा है और जहां कहीं गाड़ी को पार्क कर देना, किसी भी जगह किसी भी गली में घुस जाना, इससे ट्रैफिक जाम भी कई जगह लग रहा है। तो इस मामले में हम लोग इसमें एक कार्य योजना बनाकर कार्रवाई करेंगे।